ओके यार, हमने इससे प्रीवियस जो है वो इनपुट डिवाइसेस के बारे में रीड आउट किया है कि वो क्या होती हैं इनपुट डिवाइसेस। अब हमने देखना है कि क्या होती हैं आपकी आउटपुट डिवाइसेस। जी, आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। पहले तो हम आउटपुट की बात करते हैं कि आउटपुट क्या होता है। दी डेटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। और ये एक्चुअली आप लोगों को बताया भी है, जो डेटा होता है वो रफ एक्सेल फिगर्स होता है। आफ्टर प्रोसेस्ड होने के बाद जो आपको एक वैलिड चीज़ मिलती है वो होती है आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो ये चीज़ है आपकी इंफॉर्मेशन, ये डाटा डाटा से रिलेटेड ही होती है, लेकिन डाटा की कोई एक्चुअली शेप नहीं होती। और मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल भी दी थी कि जो हमारा डाटा होता है उसका कोई भी मीनिंग शो नहीं हो रहा था, जैसे कि आप लोगों ने अपने फॉर्म फिल करके सबमिट करवा दिए थे। एक्चुअली इंफॉर्मेशन आप तब बने जब आपको आपके रोल नंबर असाइन होंगे और उसके अंदर जो काम हुआ है वो आती है आपकी प्रोसेसिंग। इट इज़ कॉल्ड आउटपुट। ये होती है आपकी एक सिंपल आउटपुट जिसमें हम डाटा को प्रोसेस करने के बाद एक यूजफुल इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। ठीक है, द आउटपुट इज ऑफ टू टाइप्स। अब जो आपकी आउटपुट है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ठीक है, दूसरी होती है आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या चीज़ है? दी आउटपुट शोन ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जैसे आप लोग अपने लेक्चर को ले रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, जी दिस इज़ नॉट टचेबल, लेकिन एक्चुअली यू कैन व्यू, आप इसको जस्ट व्यू कर रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज नॉट टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है कि टचेबल, ठीक है। नॉट टेंजिबल मतलब नॉट नॉन टचेबल, हम इसको टच नहीं कर रहे। देखिए एक्चुअली आप इसको पकड़ के नहीं देख रहे कि ये वर्ड्स कैसे लिखे हैं, क्या हो रहा है, जस्ट आप उसको व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी टच्ड, हम इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इसको हम टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी आउटपुट है, हार्ड कॉपी आउटपुट जो आपके प्रिंटर वगैरह है, आप फोटो कॉपी करवाते हैं, उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। द कॉमन डिवाइस ऑफ अ प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट इज द प्रिंटर एंड प्लॉटर्स। हाँ जी, प्लॉटर्स के बारे में भी बताया है। प्लॉटर्स होता है ना, जैसे कि हम आर्किटेक्चर वगैरह यूज़ करते हैं मैप्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, मैप्स बनाने के लिए वो एक बोर्ड यूज़ करते हैं, उसके ऊपर वो ड्रा हो रहा होता है, कॉपी पेंसिल के ऊपर वो ड्रा कर रहे होते हैं, लाइक वो भी एक हार्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आगे इसकी डिटेल आएगी तो पता चल जाएगा। आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। अभी तो ये सिंपल आउटपुट थी कि आउटपुट क्या है और आउटपुट की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। हाँ जी, आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? द हार्डवेयर कंपोनेंट्स that are used to receive information from the computer are called output devices. जो data input devices ने computer को दे दिया है, ठीक है, वो data receive किया information कहाँ से? आपका जो computer के ऊपर display हो रहा है from a computer are called output devices. देखिए भाई, आपकी monitor है, TV है, आप देखिए आपने इसको on किया, आपने इनपुट दी, मैंने कुछ भी लिखा, ये देखो मैं ड्रा भी कर रही हूँ, मैं इनपुट दे रही हूँ, डिस्प्ले किसके ऊपर हो रहा है? आपकी आउटपुट के ऊपर, ठीक है, आप एक्चुअली इसको व्यू कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। अगर देखे भाई, यूजर ने डाटा एंटर किया तो यूजर को अपनी जुबान समझ आ रही, उसने डाटा अपनी जुबान में एंटर किया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया 0-1 की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। आपको जो रिजल्ट आफ्टर इंफॉर्मेशन हुई शो प्रोसेसिंग के बाद, वो भी वही फॉर्म होगी जो आप रीड कर सकते हैं, यूजर की रीडेबल फॉर्म होगी। इंग्लिश समझ आ रही है ना, तो इंग्लिश की फॉर्म में हो जाएगा, उर्दू समझ आ रही है तो उर्दू की फॉर्म में हो जाएगा। मतलब कि अगर हमें मशीन लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में समझ आएगा तो कभी भी हमें तो रीड ही नहीं कर सकेंगे। सो आउटपुट डिवाइसेस का ये काम है कि वो आपको वैलिड डाटा प्रोवाइड करते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स हैं इसकी, सम इम्पोर्टेंट आउटपुट्स, मोनीटर हो गया, प्रिंटर्स हो गया, प्लॉटर्स हो गया, स्पीकर हो गया, ये आपकी इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं।
ओके यहाँ पे आता है इसका बेसिक डिफरेंस, किसके अंदर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। अब एक्चुअली उसको एलेबोरेट करके लिख दिया गया कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में डिफरेंस क्या है। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हार्ड कॉपी इज इन प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जो है इज द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होती है और हार्ड कॉपी आपकी प्रिंटेड फॉर्म होती है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, बिकॉज हार्ड कॉपी पेज के ऊपर प्रिंट हो गए तो हम इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। सॉफ्ट कॉपी है, मैं जितनी बार मर्जी अपनी वर्ड की फाइल ओपन की है उसको जितना मर्जी चेंज करूँ, मेरी मर्जी। सॉफ्ट कॉपी इनटेंजिबल है बिकॉज हम इसे टच नहीं कर सकते। आप देखो टच कर रहे हो इस स्क्रीन को, नहीं टच कर रहे। इट इज़ द टेंजिबल, जो आपका पेपर है पेज है उसको आप उसको टेंजिबल बना रहे हो, उसको टच कर रहे हो। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी इज स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है, जैसे कि आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल ओपन करते हैं। जो आपकी हार्ड कॉपी है वो प्रिंटेड पेजेस के ऊपर होती है, ठीक है, पेपर्स के ऊपर जो है वो प्रिंट करती है। सॉफ्ट कॉपी इट डुप्लीकेट्स कॉपीज कैन बी प्रोड्यूज विदाउट एनी कॉस्ट। भाई इसमें आपने एक बार कंप्यूटर ले लिया है, जितनी मर्जी फाइल्स ओपन करो, जितनी मर्जी फाइल की कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट करते रहो, अपने ही पीसी के अंदर करना है, कौन सा आपको मतलब पेजेस की ज़रूरत है इसमें। लेकिन यहाँ पे जो है इट डुप्लीकेट्स कॉपी कैन बी प्रोड्यूस विद कॉस्ट। आपको अपनी नोट्स निकलवाने हैं, आपको अपने नोट्स निकलवाने हैं तो आप क्या करते हो भाई, पैसे देते हो तो आपको वो नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में, मतलब के फोटोकॉपियर वाला जो है निकाल के देता है या प्रिंटर से निकालते हैं हम। सो ये था इसका डिफरेंस, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी का डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे एक्चुअली इन दोनों में इन दोनों का डिफरेंस है, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। और इनपुट हमने पहले पढ़ ली है, इनपुट डिवाइसेस गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ओके, हम जो डेटा है देते हैं किसको, कंप्यूटर को। आउटपुट डिवाइसेस गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। जो आपकी आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे आप रिव्यू कर रहे हैं, मैंने डाटा दिया कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए, ये मैं दे रही हूँ तो आप इसके ऊपर ड्रा हो रहा है, आप सबको जो है वो दिख रहा है, तो ये है आपकी आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस टेक डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। येस, जो भी आप डाटा देते हैं कंप्यूटर वो समझ रहा होता है, ठीक है, कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेगा जिसमें उसने उसको रन करना है। जैसे हमें 01 की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी लेकिन कंप्यूटर को समझ आ जाएगी। आउटपुट डिवाइसेस टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, जो आपकी आउटपुट दे रहे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं एंड कन्वर्ट्स इट इन द फॉर्म ऑफ डैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र। ठीक है, जो आफ्टर डिस्प्ले आपको रिजल्ट मिलता है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, मोनीटर के ऊपर, LCDs के ऊपर, वो होता है आपका अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेज आर कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेज आर मोनीटर्स एंड प्रिंटर। ओके, इसके बाद आती है आपकी व्हाट आर डिस्प्ले स्क्रीन, व्हाट फीचर्स डिस्टिंग्विश ऑन डिस्प्ले स्क्रीन फ्रॉम अनदर। ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं करना हमने, ये चीज़ नहीं करनी हमने। ये रेजोल्यूशन ETC ये चीज़ें नहीं देखनी हमने, ये भी नहीं। यस, ये करना है हमने क्योंकि यही तो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन, आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसकी कितनी टाइप्स हैं। अब हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है, जो मोनीटर हो गया, ठीक है, जैसे कि आप इस तरह के पीसीज, इस तरह के सिस्टम्स होते थे पहले,
इसको कहते हैं सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। जो सीआरटी मॉनिटर है कैथोड रे ट्यूब, ये आपकी मोस्ट कॉमन डिस्प्ले स्क्रीन है। इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। यस, आप लोगों ने टेलीविजन की शेप देखी होगी, इस तरह की शेप होती थी, इस तरह के ये सिस्टम पीसीज होते थे, ठीक है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इसमें हम टेक्स्ट और ग्राफिक डिस्प्ले कर सकते थे। जस्ट वर्किंग क्या है, अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। इट यूजेज द कैथोड रे ट्यूब, जो आपकी CRT है, कैथोड रे यूज करती है टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, इसमें कैथोड रेज होती है, मतलब कि इसके अंदर रेज होती हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्शन करती है, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले होता है। CRT consists of one or more guns that fire a beam of electrons inside the screen. CRT जो है वो consist होती है one or more guns that fire a beam of electrons inside the screen, क्योंकि इसके अंदर एक गन लगी होती है जिसके अंदर कलर्स होते हैं, ठीक है। ये गन होती है, इसके अंदर कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से सारी की चीज़ जो आपकी आपको डिस्प्ले हो रहा है वो प्रिंट हो रही होती है बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। दी स्क्रीन इज कोटेड विद टाइनी फॉस्फर डॉट, ठीक है। जो अब ये स्क्रीन होती है ना, ये वाली सिर्फ स्क्रीन है इसकी, ये वाली स्क्रीन जो इसकी फ्रंट वाली स्क्रीन है, ठीक है, ये फॉस्फर डॉट्स के साथ मिलके जो है वो बनी हुई है। दी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रैपिडली फॉल्स ऑन द सर्फेस स्क्रीन। हाँ जी, जो आपकी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही है वो रैपिडली, मतलब बार बार जो है वो स्क्रीन के सर्फेस को टच कर रही है, उसके ऊपर बीम अपनी फेंक रही है, अगर आप डाटा एंटर करते हैं। Every beam falls takes only a fraction of a second, ठीक है। जो भी beam है वो थोड़ा सा time लेती है, fraction of second. So ये slow system ही थे, क्योंकि old system थे। इसके अंदर जो है electron monitor guns जो हैं, अभी मैंने आपको जो gun के बारे में बताया है, इसके अंदर एक gun होती है जो कि electron beam supply करती है, वो three colors के ऊपर depend होती है, RGB, red, green and blue. These colors generated with the combination of these three colors. बाकी जो colors generate होते हैं ना, क्योंकि पेंटिंग वगैरह करते होते थे तो इन थ्री कलर्स बेसिक हमें पता होते थे, हम इनके कम्बिनेशन के साथ डिफरेंट कलर्स बना लेते थे। तो इसी तरह ये आपकी जो ये CRT थी, डिफरेंट कलर्स इसी के साथ ही कंबाइन करके बनते थे। सेकंड है दी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल मोनीटर टेक्स लेस स्पेस एंड आ लाइट वेट, ठीक है। ये मोनीटर स्क्रीन तो बहुत बड़ी थी ना, टीवी जैसी। फ्लैट पैनल से नाम से जाहिर हो गया कि जैसे कि है एलसीडी जैसा, लेकिन ये फ्लैट पैनल एलसीडी नहीं होती थी। अब इसके अंदर टाइप्स आएगी एलसीडी की, फ्लैट पैनल एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, ईएलडी हो गया, ये लाइट वेट फ्लैट, मतलब कि बिल्कुल इतनी स्पेस जो लेता नहीं है। ये देखी होंगी आपने LCDs लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा जो है इन है ये। These monitors are much less power than CRT, ठीक है। इसकी जो पावर थी CRT तो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग था, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लॉस करता था, लेकिन ये मोनीटर्स ने उसको ओवरकम किया। अब इसके अंदर जो है प्लेट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है, इसके अंदर सब्सटेंस यूज होता है, इसके अंदर कैथोड रेज नहीं यूज हो रही, इसमें बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं यूज हो रही। ये चीज़ याद रखें, उसमें बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रही, सिर्फ उसी में गन लगी हुई है, इसके अंदर गन नहीं होती। इसमें सब्सटेंस यूज होता है, मतलब एक मादा यूज होता है जो केमिकल होता है। दिस सब्सटेंस इज एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वे। सो ये जो केमिकल होता है, जब आप किसी स्क्रीन को टच करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइनी सा डॉट आता है अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो आपका एक्चुअली सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, टाइनी डॉट होता है, पिक्सल होता है। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब इसके अंदर जो इसकी फर्दर टाइप्स आती हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आता है, LCDs आता है, इलेक्ट्रोलुमिसेंट डिस्प्ले आता है, ELD होता है, गैस प्लाज्मा होता है। ओके, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को देखते हैं। लिक्विड क्रिस्टल के नाम से ही पता चल गया कि ये जो है इसके अंदर कोई लिक्विड चीज़ है, ठीक है। इसमें जो सब्सटेंस है वो डिपेंड होता है लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर। क्रिस्टल्स क्या होता है, वो जो चीज़ें जब हम कोई बनाते हैं, तोड़ते हैं, तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो बन, जैसे कि वो शीशे जैसा बन जाता है, ठीक है। वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपका जो शीशा बना हुआ है, इसकी स्क्रीन है, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म है, और उसके जो बैक पे है वो लिक्विड यूज़ हुआ है, केमिकल यूज़ हुआ है। The molecules of the substance line up in such a way that the light behind the screen blocked or allowed the create an image. So ये substance है, इसकी back पे जो है वो light है, दो screen को block करती है और allow करती है कोई भी image create करने के लिए। So आप अपनी brightness वगैरह भी enhance कर सकते हैं। Brightness enhance कर लेते हैं ना हम, हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम brightness तेज कर लेते हैं, वो brightness का symbol बना हुआ है।
इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले क्या चीज है? दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन कंटेन्स अ सब्सटेंस दैट ग्लो. अभी ये जो है लुमिनेसेंट का मतलब होता है ग्लो करना, चमकना. When it charged by the electrical current, अगर ये करंट के जरिए चार्ज होगी तो ये स्क्रीन जो है इसकी ग्लो करेगी, मतलब कि आपको ज़्यादा शार्प रिजल्ट शो करवाएगी किससे, एलसीडी स्क्रीन से ज़्यादा अच्छी होती हैं ये वाली. ठीक है, ये वाली एलसीडी स्क्रीन से ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये आपकी सब्सटेंस ग्लो होता है और इसमें ज़्यादा इमेज जो है वो ब्रॉड दिखता है, आपको ज़्यादा बोल्ड दिखता है. बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन आप लोगों ने देखी होंगी, अब जो घरों में लगाते हैं लोग वो होती हैं आपकी ELDs. हाँ जी, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले. दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन इज सिमिलर टू नियॉन बल्ब. ये इसके अंदर जो स्क्रीन है वो नियॉन बल्ब जैसी ही डिस्प्ले होती है, इसका नियॉन बल्ब लगा होता है, नियॉन का बल्ब होता है ना, बस घरों में छोटे छोटे बल्ब लगाए होते हैं हमने, तो इसी तरह इसके अंदर नियॉन का बल्ब लगा होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है स्क्रीन जब ये काम कर रही होती है. जैसे कि हमारी लैपटॉप की स्क्रीन है, इसके बैक पे मे भी कोई बल्ब चीज़ लगी हुई है. ठीक है, ये आपकी सिंपल डिस्प्ले है ELD LCD के, कोई भी लिक्विड क्रिस्टल भी हो सकता है, कोई ग्लोज का फंक्शन भी हो सकता है. लेकिन जो गैस प्लाज्माज होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं और नुकसानदेह भी उतने ही होते हैं, जो कि आपकी सिनेमा की स्क्रीन्स होती हैं वो यही तो होती हैं, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले. उसके अंदर नियॉन बल्ब लगा होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोशनी होती है. दी डिस्प्ले यूजेज अ गैस डैट इमिट्स लाइट, और गैस जो है गैस के फॉर्म में जो है वो लाइट इमिट्स करती है, मतलब खारिज करती है. प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, विद दी प्रेजेंस ऑफ भाई डिवाइस है उसके साथ हमने पावर लगानी है तो उसने काम करना है. लैपटॉप होगा तो वो अलहदा चीज़ है कि उसके अंदर बैटरी चार्ज हो जाती है तो उतनी देर तक चल जाती है. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, इट इज़ नॉट कॉमनली यूज, और हम इसको कॉमनली यूज नहीं करते, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. हाँ जी, ये है जी आपका CRT, जिसको TV जैसा हम कहते होते थे. ठीक है, और ये LCD मॉनिटर, वही पिक्चर इधर दिखाई गई है, वही पिक्चर इधर दिखाई गई है. देखो कितनी अट्रैक्टिव होकर दिखा रही है, कितनी लाइट के साथ दिखाई जा रही है. और यहाँ पे क्या था, सिंपल एक स्क्रीन है, उसके ऊपर कलर बस दिखा रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं ऐसे जैसे कि पुराने ज़माने की पिक्चर्स हों. तो ये वाली जो थी ये इसके अंदर ब्राइटनेस ज़्यादा है, सो ये आपको ज़्यादा अच्छा व्यू दिखाती है. ये इन दोनों के एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस क्या हैं जी आपके फ्लैट पैनल डिस्प्ले ओवर CRT के, इसको देख लेते हैं. फ्लैट पैनल डिस्प्ले के और CRT, फ्लैट पैनल डिस्प्ले आपके वो हैं LCD, ELD, गैस प्लाज्मा, ठीक है, और CRT आपकी वो स्क्रीन है जो आपकी TV जैसी होती है. एडवांटेजेस हैं जी, इट टेक्स लेस डेस्क स्पेस. हाँ जी भाई, आपके जो फ्लैट पैनल है वो स्पेस बहुत कम लेते हैं, CRT तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है. इट यूजेस लेस एनर्जी देन CRT मॉनिटर, यस, इसलिए इतनी आपकी पावर कंज्यूम नहीं करता. इट यूज लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी. हाँ जी, इसमें भाई कोई गन वगैरह का चक्कर नहीं है, कोई बीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक केमिकल यूज हुआ है इसकी स्क्रीन को बनाने के लिए, दैट्स इट. Its weight is less than CRT. Yes, इसका वेट जो है वो CRT से लेस है. It is used for notebook computer. ये किस लिए यूज़ होती है, आपके notebook computers के लिए यूज़ होती है, जैसे कि PDAs हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, सेलुलर फोन्स हो गया एंड पर्सनल कंप्यूटर्स हो गया. इट डज नॉट एमिट्स हार्मफुल रेडिएशन. यस, आपका जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है हार्मफुल एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये हार्मफुल नहीं है. बात यह है कि कंपेयर टू CRT जो है इट डज नॉट एमिट हार्मफुल रेडिएशन. ठीक है, हार्मफुल तो है बिकॉज इसके साथ गैस प्लाज्मा नहीं है, इसके अंदर गैस प्लाज्मा तो नुकसानदेह भी तो होता है वो. ये डिफरेंस दिया गया है इन दोनों के दरमियान में, डिफरेंस बिटवीन CRT एंड LCD मोनीटर. देखिए भाई, दी डिफरेंस बिटवीन CRT एंड LCD मोनीटर्स क्या है, हम अभी पढ़ के भी आए हैं, अभी आपको एलैबोरेट कर देती हूँ मैं. CRT इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन अ LCD मोनीटर. ठीक है, ये लेस एक्सपेंसिव देन द LCD मोनीटर आपके ज़्यादा एक्सपेंसिव है. इसमें ये है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज जो आपके TV लाइक है वो सस्ते मिल जाते हैं. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द CRT मोनीटर. इट टेक्स मोर डेस्क स्पेस, इट टेक लेस डेस्क स्पेस, इट यूज मोर एनर्जी,
इट यूजेज लेस एनर्जी देन सीआरटी, इट यूजेज पिक्चर्स ट्यूब टेक्नोलॉजी। हाँ जी, इसमें भाई आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिस्टल ट्यूब, सॉरी कैथोड रे ट्यूब की फॉर्म में आती है। इट यूजेज लिक्विड क्रिस्टल, यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी लिक्विड की फॉर्म में, ब्राइटनेस की फॉर्म में शो होती है और ज़्यादा अच्छे कलर आपको इसके अंदर दिखाए जाते हैं। इट वेट इज़ मोर देन एल सी डी, यस बहुत ज़्यादा हैवी होता है, टी वी लाइक होता है, वेट भी ज़्यादा है, जगह भी ज़्यादा लेता है। इट वेट इज लेस देन सी आर टी, फ्लैट पैनल है, आसानी से उठाया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर, यस इट इज़ यूज फॉर नोटबुक कंप्यूटर्स, पी डी ए, सेलुलर फोन्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। ये एल सी डी मोनीटर्स जो हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स भी हैं, सेलुलर फोन्स भी हैं, और उसके बाद आपके पर्सनल कंप्यूटर्स भी हैं, लैपटॉप वगैरह भी हो सकते हैं। इट एमिट्स हार्मफुल रेडिएशन, यस ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन क्रिएट करते हैं, बिकॉज इसके अंदर कैथोड रेज होती हैं, ठीक है, जो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन क्रिएट करते हैं। इट डज नॉट एमिट्स हार्मफुल रेडिएशन, सो इसकी निस्बत इसके अंदर हार्मफुल रेडिएशन नहीं होती, इसमें लिक्विड क्रिस्टल होता है, बस इसमें ब्राइटनेस की प्रॉब्लम होती है। और ये कह लें कि गैस प्लाज्मा है जो अच्छा भी है, और सो उसकी वजह से गैस की वजह से ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपकी आइज़ वगैरह को, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत शार्प होती है इस वजह से।